हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके हर साल इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि प्रोटियम के परमाणु में होते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है कि केवल प्रोटॉन, बी ऑप्शन दिया केवल न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन दिया प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन दिया प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल प्रोटॉन होता है। देखिए, जो आपका प्रोटियम जो होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होता है 1H1, उसके बाद क्या होता है 1H2 होता है, उसके बाद से 1H3 होता है। तो आपका क्या होता है प्रोटियम होता है, आपका ड्यूटेरियम होता है, आपका क्या होता है ट्राइटियम होता है। तो जो आपका प्रोटियम जो होता है फ्रेंड्स, इसके परमाणु में क्या होते हैं केवल प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं केवल प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या कितना है, 19 है, तो 19वां इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में होंगे। तो हमको बताना है फ्रेंड्स, जो आपका 19वां इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी कक्षा में होगा। ए ऑप्शन दिया यल कक्षा, बी ऑप्शन दिया एम कक्षा, सी ऑप्शन दिया एन कक्षा और डी ऑप्शन दिया के कक्षा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे कोष जो होता है आपका क्या होता है के यल यम और यन होते हैं, ये आपके क्या होते हैं सेल होते हैं, ये आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स सेल होते हैं, कोष होते हैं। उसके बाद से देखिए, ये आपका पहला कोष होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। के में क्या होता है यस होता है, और यल में क्या होता है यस पी होता है, और यम में क्या होता है यस पी डी होता है, और यन में क्या होता है यस पी डी एफ होता है। देखिए, यस यस पी एस पी डी और एस पी डी एफ क्या होते हैं, तो ये आपके उप कोष होते हैं, क्या होते हैं फ्रेंड्स ये आपके सब सेल होते हैं, क्या होते हैं सब सेल होते हैं। तो हमको यहाँ पे आपका देखिए प्रश्न में बोला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 19 है, तो पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है। तो 19वां जो इलेक्ट्रॉन है, 19वां जो इलेक्ट्रॉन है हमको बताना है कि कौन सी कक्षा में होगा। तो देखिए, यस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पुनः यहाँ पे यस में दो इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 2, 2, 4, 6, 10 हो जाएगा, 10, 2, 12, 6, 18, यानी कि जो आपका 19वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके तीसरे यानी कि यहाँ पर 3M में जाएगा, यानी कि 3M यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यम कक्षा कौन सा है, तो यम कक्षा में जाएगा। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यम कक्षा में प्रवेश करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि वह परमाणु जिसका परमाणु भार 12 है तो उसमें होंगे। तो हमको बताना है कि वह परमाणु जिसका परमाणु भार 12 है उसमें होंगे, तो ए ऑप्शन दिया 12 प्रोटॉन प्लस 12 न्यूट्रॉन, और बी ऑप्शन दिया 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और सी ऑप्शन दिया 3 प्रोटॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन और डी ऑप्शन दिया 6 प्रोटॉन प्लस 0 न्यूट्रॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको बताना है, देखिए जो आपका कार्बन होता है ये आपका 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, तो जेड प्लस यन होता है। तो ए आपका क्या होता है द्रव्यमान संख्या, जेड आपका क्या होता है परमाणु क्रमांक, और यन क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ए का मान आपका दे दिया है 12, तो 12 बराबर जेड का मान परमाणु क्रमांक 6 प्लस में यन। तो यदि हम यहाँ से यन का मान ज्ञात करेंगे, तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आपका पाचांतर होगा, तो 12 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जेड होता है। तो यहाँ पर देखिए, परमाणु क्रमांक कितना दिया है 6, यानी कि जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 ही प्रोटॉन हो जाएगा, 6 ही आपका यहाँ से परमाणु क्रमांक आपको दे दिया है। तो हमको यहाँ पे प्रश्न में बोला था कि देखिए, यहाँ पे दिया है कि वह परमाणु जिसका परमाणु भार 12 है तो उसमें होंगे, तो क्या होंगे 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही आपका यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 प्रोटॉन प्लस में 6 न्यूट्रॉन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर दिया है कि एक तत्व के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होता है तो वह तत्व है। यानी कि मान लीजिए कि कोई तत्व है, उसके नाभिक में न्यूक्लियस में क्या होता है कि आपका प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि केवल एक ही प्रोटॉन होता है तो वह तत्व है। तो ए ऑप्शन दिया हीलियम, बी ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, सी ऑप्शन दिया बेरिलियम और डी ऑप्शन दिया लिथियम। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका फोर दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या होता है हाइड्रोजन होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो हमको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो देखिए, इसको मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि कैसे आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए, एक ट्रिक होता है कि ईटा पर
ईटा पर नाचे, क्या होता है ईटा पर नाचे। अब देखिए ई सा क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता क्या है जे जे टॉमसन। अब देखिए यहाँ पर दिया पर पसंद यानी प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है रदरफोर्ड, आर से रदरफोर्ड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपका देखिए दिया है ना यानी कि न से आपका जाएगा न्यूट्रॉन, इसके खोजकर्ता कौन है चैडविक है। तो देखिए यहाँ पर आपका बोला है कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चैडविक, यानी कि पाँचवें का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो ए ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दिया ड्यूटेरियम, सी ऑप्शन दिया फ्लोरीन और डी ऑप्शन दिया क्लोरीन। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका सिक्स दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम क्या होता है तो 1H2 होता है, क्या होता है 1H2 होता है। तो हमको बताना था कि निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, तो देखिए ए बराबर जेड प्लस यन से हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये आपका द्रव्यमान संख्या कितना दिया है 2 और परमाणु क्रमांक 1 प्लस में यन, तो यन की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यन यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या 1 आ गया और प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है 1 दिया है। तो एक प्रोटॉन और एक ही क्या है न्यूट्रॉन है, तो इसमें बताना था कि निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, तो ड्यूटेरियम में होगी। ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ए ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन दिया 10, सी ऑप्शन दिया 2 और डी ऑप्शन दिया 8। तो देखिए परमाणु क्रमांक जो आपका क्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 287 होता है। तो देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बताना था तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 7 हैं, यानी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ए ऑप्शन दिया धनात्मक होता है, बी ऑप्शन दिया ऋणात्मक होता है, सी ऑप्शन दिया कोई आवेश नहीं होता है, डी ऑप्शन दिया कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऋणावेशित होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8वां दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, यदि x बराबर कितना दिया है log a बेस b और y बराबर कितना दिया log b बेस c और तथा z बराबर कितना दिया log c बेस a हो, तो x y z का मान है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया है फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपका दे दिया है x का मान दे दिया है, उसके बाद से क्या दे दिया है y का मान दे दिया है और z का मान दे दिया है। ठीक है जेड का मान दे दिया है, तो हमको क्या मान ज्ञात करना है एक्स वाई जेड का, हमको मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए एक्स वाई जेड का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इन तीनों का क्या है गुणा है, तो एक्स का मान कितना दे दिया है देखिए लॉग ए बेस बी दे दिया है, इंटू में वाई का मान कितना दिया है, वाई का मान यहाँ से दिया है लॉग लॉग बी और बेस सी, इंटू में लॉग लॉग जेड का मान कितना दिया है लॉग सी बेस ए। अब देखिए एक आपका सूत्र होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर चलिए मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूँ, एक आपका सूत्र होता है कि यदि लॉग लॉग एक्स और यहाँ पे आपका वाई दिया है बेस में, तो इसका फार्मूला होता है लॉग लॉग एक्स जो दिया है इसको ऊपर लिखेंगे और अपान में लॉग वाई नीचे हो जाता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसी फार्मूले पर जब इसको रखेंगे तो यहाँ से आपका देखिए सबसे पहले जो कि लॉग एक्स बेस वाई है, तो एक्स को ऊपर लिखा गया है तो यहाँ पर ए को ऊपर लिखेंगे, तो लॉग ए अपान में क्या हो जाएगा लॉग बी और इंटू में लॉग यहाँ से आपका हो जाएगा बी और अपान में लॉग सी इंटू में लॉग यहाँ से आपका सी ऊपर हो जाएगा और अपान में लॉग ए हो जाएगा। अब देखिए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी और लॉग सी से लॉग सी, तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 1 × 1 × 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 कि यदि एफ एक्स बराबर दिया है लॉग साइन एक्स बेस ई तथा यहाँ पर देखिए कितना दिया था फाई एक्स बराबर लॉग कॉस ए, यहाँ पर दिया है लॉग कॉस एक्स और बेस ई हो, तो ई के पावर दिया है 2 φ x और प्लस में ई के पावर 2 φ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ई के पावर दिया है 2 f x और प्लस में ई के पावर 2 φ x का मान है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपका दे दिया है फ्रेंड्स कि एफ एक्स का मान दे दिया है लॉग साइन एक्स बेस ई, तो देखिए हमको फाइंड करना है ई के पावर 2 f x और प्लस में ई के पावर 2 φ x। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई के पावर 2 हो जाएगा और एफ एक्स के जगह पर हम रखेंगे लॉग लॉग ई और साइन एक्स और प्लस में ई के पावर 2 और फाई एक्स, तो फाई एक्स की वैल्यू कितना दिया है लॉग लॉग ई और कॉस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जानते हैं कि लॉग लॉग यदि आपका दिया रहेगा ए,
यहाँ पर दिया है लॉग ए के स्क्वायर दिया हो तो यहाँ पर जो आपका पावर आता है पहले आता है यानी कि 2 log a हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका 2 जो दिया है लॉग ई के यहाँ पर दिया है लॉग साइन एक्स बेसी तो ये आपका जो यहाँ पर 2 पहले दिया है इसके पावर में आ जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा ई लॉग लॉग ई साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में ई लॉग ई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ई और यहाँ पर आपका दिया है लॉग ई और साइन स्क्वायर एक्स इसका जो मान होता है केवल आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा जब भी आपका ई के पावर में दिया रहेगा तब। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है 1 होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां दिया है इसका यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका सी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कि लॉग ए बेस बी दिया है इंटू में लॉग बी बेस सी इंटू लॉग सी अपन लॉग सी बेस ए का मान है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है चलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या दे दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया है लॉग ए और यहाँ पर दिया है बेस में बी तो लॉग ए बेस बी इंटू में उसके बाद क्या दिया है लॉग लॉग बी बेस सी इंटू में लॉग सी बेस ए लॉग सी बेस ए दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 सॉल्व किए थे सेम इसी फार्मूले पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग लॉग ए अपान में लॉग बी इंटू में लॉग बी अपान में लॉग बी अपान लॉग सी इंटू में लॉग सी अपान लॉग ए हो जाएगा। अब देखिए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल लॉग बी से लॉग बी लॉग सी से लॉग सी इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि लॉग बी सी अपान में ए स्क्वायर प्लस में लॉग ए सी अपान में बी स्क्वायर प्लस लॉग ए बी अपान में सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि लॉग बी सी अपान में ए स्क्वायर प्लस में लॉग ए सी अपान में बी स्क्वायर और प्लस में क्या दिया है लॉग ए बी और अपान में क्या दिया है सी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी तो लॉग ए प्लस लॉग बी का फार्मूला क्या होता है लॉग ए इंटू बी होता है। क्या होता है इंटू में जब रहता है तो इसको प्लस में लिख सकते हैं और जब प्लस में दिया रहता है तो इसको इंटू में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस में दिया है तो इसको जब इंटू में लिखेंगे तो लॉग बी सी अपान में ए स्क्वायर इंटू में ए सी अपान में बी स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी अपान में सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग और बी का बी में जब गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए का ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और सी का सी में करेंगे तो सी स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लॉग क्या बचेगा 1 और लॉग 1 का मान क्या होता है फ्रेंड्स 0 होता है। लॉग 1 का मान कितना होता है 0 होता है। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया है फ्रेंड्स इसका जो आपका बी ऑप्शन दिया है आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 11 बराबर 0 के मूलों का हारात्मक माध्यम को बताने की क्या होगा। तो देखिए हारात्मक माध्य कैसे ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले एक समीकरण आपका दे दिया है कितना दे दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस में 11 बराबर में 0 के मूलों का हारात्मक माध्य। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है इसके 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं और देखिए फ्रेंड्स जो व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 तो इससे जब तुलना करेंगे तो a का मान यानी कि x स्क्वायर का गुणांक यानी इसके पहले कुछ नहीं दिया है तो 1 है और b का मान क्या हो जाएगा यानी कि x का गुणांक तो माइनस का 10 दिया है और c यानी कि अचर पद का मान कितना दिया है 11। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इसके मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा तो देखिए फ्रेंड्स अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का बी अपान में ए होता है तो माइनस का बी तो बी का वैल्यू कितना दिया माइनस का 10 और यहां से आपका ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस का 10 और अपान में ए का मान कितना दिया है तो 1 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा जब ज्ञात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपान में ए तो सी का मान यहाँ से कितना दिया है 11 और ए का मान दिया है 1 तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमको ज्ञात क्या करना है तो हारात्मक माध्य ज्ञात करना है
तो हार्मोनिक माध्य बराबर होता है फ्रेंड्स 2 में अल्फा इंटू बीटा और अपान में होता है अल्फा प्लस में बीटा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 11 और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना फाइंड किया है 10। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि 11/5 यानी कि हारात्मक माध्य जो आ गया वो आपका कितना आ गया 11/5। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11/5 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 कि वह समीकरण जिसके मूल 5 और 3 है तो होंगे, तो ए ऑप्शन दिया x²-8x+15 = 0, बी ऑप्शन दिया x²+8x+15 = 0 और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया x²+8x-15 = 0 और डी ऑप्शन दिया x²-8x-15 = 0। तो देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 दिया है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एक समीकरण के मूल दे दिए हैं 5 और 3 दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला होता है x²-α+β(x)+α(β) = 0 होता है, तो यहाँ से x²-α+β यानी कि एक मूल दिया है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 5 + 3 × x + 5 × 3 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा x² + 5 × 3 = 8x + 5 = 15 = 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x²-8x+15 आपका ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ए ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो आई होप कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यदि x²-16x+k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान होगा, तो देखिए फ्रेंड्स जब भी आपका मूल बराबर होता है तो विभेदकर d का मान जो होता है 0 होता है, b बराबर क्या होता है d = b²-4ac = 0। तो b के वैल्यू देखिए b की वैल्यू यहाँ से हम कितना फाइंड करेंगे, तो यहाँ से आपका b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका b की वैल्यू कितना हो जाएगा -16, तो यहाँ से हो जाएगा -16² - 4 a, a की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 × c का मान यहाँ से कितना हो जाएगा k = 0। अब देखिए 16² कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, अब बराबर में इसको पछांतर जब करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 256/4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4×6=24 और यहाँ से हासिल आएगा 16 हो जाएगा, 4×4=16 यानी कि 64 हो जाएगा, तो k का मान कितना आ गया 64। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इसमें k बराबर 64 है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए आपका नॉन हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण 2x²-11x+5 = 0 में मूलों का योगफल का होगा, तो हमको बताना है कि इसमें मूलों का योगफल होगा, तो देखिए ऑप्शन दिया 5/2, बी ऑप्शन दिया 11/2 और सी ऑप्शन दिया 2/5, डी ऑप्शन दिया 9 यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 दिया है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मूलों का योगफल हमको बताना है, तो अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो b की वैल्यू कितना दिया है -11, तो -11/a की वैल्यू कितना दिया है 2। अब देखिए -± + हो जाएगा तो 11/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 11/2 यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 16 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं सही एक और नए वीडियो में, तो तक लिए धन्यवाद।